पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। गृहिणियों का बजट बिगड़ चुका है। गरीब आदमी के लिए सब्जियां खरीदना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। आगरा में महंगाई ने नींबू को भी अब राजा बना दिया है। एक तरफ नींबू की कीमत 200 से 300 रुपए प्रति किलो के पार है तो दूसरी ओर कई और सब्जियां भी हैं जो शतक लगा रहे हैं। आम से लेकर खास सभी लोग सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग तो कर रहे हैं पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। जी खरीदिए आपने, क्या भाव ज्यादा है? हाँ जब महंगी है गरीब आदमी कहाँ करे बेचारे, कहाँ काम है। तो कैसे मतलब व्यापार चल रहे हैं या नहीं फिलहाल? कहूँ ना चल रहा है। तो कैसे मैनेज कर रही है रसोई? अब ऐसे ही कर रहे हैं अपने, जो गरीब आदमी खाता है। अब साल बहुत रहा है महंगा, बहुत तार से ज्यादा बजट खराब हो रहा है, कस्टमर का बजट खराब हो रहा है। नींबू पूरे सीजन में मेरी जिंदगी में पहली बार भाव रखा, बहुत इस टाइम बहुत महंगा महंगा ही है। कुछ सब्जी मंदी हो गई है, कुछ ताकत से ज़्यादा महंगी है। बजट क्या करे गरीब आदमी, हालत बहुत खराब है। धनिया रेट बढ़ गए, टमाटर बढ़ गए, नींबू तो सबसे हाई रेट है, प्याज का रेट कम हो गया है। जो जरूरत है वही खरीद रहा, आम आदमी नहीं खरीद रहा। चार नींबू जगह एक ले रहा है, दो ले रहा है। बजट खराब हो रहा है सर। इस टाइम बहुत सुबह 100 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये तक से ज़्यादा हुआ नहीं। अब इस टाइम 200, कम से कम 200 रुपये का रेट है नींबू का। थोक का भाव रेटेर में 240, थोक का भाव 200 रुपये किलो है।